मौजूदा सियासी और आईनी बहरान में क्या हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा, कानूनी मुशावरत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से हिकमत अमली पर बातचीत। वफाकी काबीना कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। अदालती असलाहत से मुतल्लिक बिल की वापसी और उसे मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू। इलेक्शन के लिए बजट से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। पीडीएम हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का वाइट पेपर तैयार, आज ही जारी किया जाएगा। नाकिस गवर्नेंस, हुकूमत के जुल्म सितम और दीगर इश्यूज को उजागर किया जाएगा। जमहूरियत, इंसानी हकूक और रियासती इदारों की तबाही का अहाता किया गया। सियासी इज्तमात पर पाबंदी, कारकुनों की गिरफ्तारियों का जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बदनाम, अदलिया को तकसीम करने की मुनज़्ज़म मुहिम की तफसीलात भी वाइट पेपर का हिस्सा। इंतखाबात से फरार इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और निगरान हुकूमतों की मिली भगत पर बात की गई। आरजा महाज पर हुकूमती नाकामियों को पेपर का हिस्सा बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कुछ देर बाद खिताब में वाइट पेपर के नकाद पर बात करेंगे। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का फैसला दिया तो पीडीएम वाले चीफ जस्टिस का नाम चूमते थे। इलेक्शन पर फैसला दिया तो सब मुखालफत पर उतर आए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सदर ने गैर आईनी बिल वापस भेजकर आईनी फर्ज पूरा कर दिया। उन्हें हिदायत लेने का ताना देने वाले शहबाज शरीफ खुद मफरूर मुजरिम से हिदायत लेते हैं। पीडीएम सियासत को जाती दुश्मनी का रंग ना दे, मुल्क की सालमियत को दाव पर ना लगाए। इलेक्शन कमीशन को फंड देने में हिलो हिज्जत हुकूमत को महंगी पड़ेगी। और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें, जिस्मानी वर्जिशों पर भी खुसूसी तवज्जो। न्यूजीलैंड की टीम भी क्राइस्टचर्च से रास्ता दुबई लाहौर के लिए रवाना, मंगल की सुबह पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टी20 मैच 14 अप्रैल को खेला जाएगा।